आज हम बात करेंगे उस जगह के बारे में जिसे महाभारत काल में मुगदलपुर और आईने अकबरी की दृष्टि से मूंगगिरी के रूप में पहचान मिली और किसी जमाने में बंगाल के नवाब मीर काशिम की राजधानी हुआ करती थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप इसे पर्यटन दृष्टि से देखें, बिहार विविध संस्कृति और परंपराओं के साथ हमेशा समृद्ध ऐतिहासिक स्थल रहा। ऐसा कहा जाता है चंद्रगुप्त ने मुंगेर शहर की स्थापना की थी जिसकी राजधानी चंपानगर हुआ करती थी। यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है यहाँ का ऐतिहासिक किला, जिसके बारे में कहा जाता है इस किले का निर्माण मगध राजा राजशंख ने करवाया था, जिसका वर्णन महाभारत में भी करा जाता है। मगर बाद में जब मुगलों के द्वारा भारत पर आक्रमण हुआ तो मुगलों ने इस किले पर अपना आधिपत्य जमा लिया। मुगल शासन के दौरान इस किले के निर्माण को लेकर सारे काम करवाए गए। यही कारण है कि इस किले पर की गई नक्काशी मुगल कालीन से मिलती है। बात करें तो इस किले ने अनेकों उतार चढ़ाव देखे हैं। इस किले पर हर किसी ने अलग अलग समय पर अपने अपने शासन कालों में शासन करा, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो या फिर मीर काशिम। यही वजह है यहाँ आज भी उनका प्रमाण देखने को मिलता है। यह किला पवित्र गंगा नदी के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित है। भारत के अन्य किलों की भांति यह किला भी अद्भुत और नायाब वास्तुकला शिल्प से गढ़ा हुआ है। इस किले के दो तरफ बहने वाली नदी इस किले को पश्चिम और आंशिक रूप से उत्तर की दिशा की तरफ से सुरक्षित करती है। यह किला दो पहाड़ियों के साथ लगभग 222 एकड़ में फैला हुआ है। बात करें तो यह एक घेराबंद किला है जिसके चारों तरफ 30 फीट की मोटी दीवारें हैं। इसके चारों तरफ दरवाजे भी बनाए गए हैं। इसमें उत्तरी दरवाजे को लाल दरवाजा के नाम से जाना जाता है। यह विशाल दरवाजा नक्काशीदार पत्थरों से हिंदू और बौद्ध शैली में बनाया हुआ है। इस किले के अंदर एक गुप्त सुरंग भी है। किंवदंतियों की माने तो जब अंग्रेजों से लड़ाई छिड़ी थी तो उस दौरान मीर काशिम पराजय के कगार पर पहुंच चुका था और इसी सुरंग के जरिए वह विलुप्त हो गया और इसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगी। यही वजह है कि आज भी यह सुरंग पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हालांकि 1934 में यहां आए भीषण भूकंप से इस सुरंग को काफी नुकसान पहुंचा। उस विनाशकारी भूकंप से मुंगेर लगभग जमींदोज हो चुका था, मगर बात करें तो आज भी मुंगेर अपनी विरासत को सजाए हुए संजीदगी के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ऑन द वे से मिलने वाली ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, घूमते रहिए, खाते रहिए और गुनगुनाते रहिए।